मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारा घूम रहा है, कोई कोट बेच रहा है, कोई सूट लेंथ बेच रहा है, कोई डिनर सेट बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई आटा बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, कोई मैग्नेट बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई साड़ी बेच रहा है, कोई तेल पाउडर बेच रहा है, कोई खेत में डालने वाला जहर बेच रहा है, यस या नो? बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर में है, लेकिन आपको हम अगर बता दें, अगर सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आप नहीं चुनने नहीं चुन करके नहीं समझ करके ज्वाइन करेंगे, तो फिर आप अपना भविष्य को सेफ नहीं रख पाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कंपनी का चुनाव करना। क्या करना? क्या करना? कंपनी बहुत सारे मार्केट में, लेकिन कंपनी को सेलेक्ट करना। जैसे कि मेरी दीदी को शादी करना है तो दुनिया में बहुत सारा लड़का है, यस या नो? यस या नो? लेकिन शादी कितना से होगा? शादी कितना से होगा? तो जो पहले मिलेगा पकड़ के कर देंगे? नहीं। क्या करते हैं? सोचते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है, उसके बाद उस लड़का से उसका शादी करते हैं, यस या नो? उसी तरह से कंपनी मार्केट के अंदर में, देश के अंदर में, पूरे दुनिया के अंदर में कई सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। अगर आप समझ करके ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आप अमीर नहीं बन पाएंगे। समझ में आ गया? समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक कंपनी बढ़िया नहीं होगा, जब तक आप उस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड ए कंपनी? सबसे पहला चीज है, कंपनी को हम कैसे समझे ये बढ़िया है कि गड़बड़ है। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? जी 15 मिनट एकदम सीरियसली सुनिएगा, एकदम सीरियस टॉपिक पे है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी कैसा है, हम कैसे समझेंगे कोई भी कंपनी को ये बढ़िया है कि नहीं है। तो कंपनी बढ़िया चुनने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी कंपनी बढ़िया माना जाता है कब? पहला है पीपल एंड फिलॉसफी। पीपल एंड फिलॉसफी, पहले आप उस कंपनी का पीपल्स को देखिए, आदमी को देखिए, कैसे कैसे लोग उस कंपनी में सफल हैं। सबसे पहले क्या देखना है? उस कंपनी में जो जुड़ा हुआ है वो आदमी कैसा है, मेरे जैसा अनपढ़ है भी कि नहीं है, मेरे जैसा अनपढ़ भी उस कंपनी में लाख रुपए महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। क्योंकि आप आए हैं इस कंपनी में जुड़ने के लिए, तो अपना जोड़ा खोजना है। क्या खोजना है? क्या खोजना है? आप खुद देखिए, हम एक अनपढ़ महिला है, हम तो डीएक्सएल कंपनी में हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या डीएक्सएल कंपनी में एक अनपढ़ महिला भी पैसा कमा रही है? अगर डीएक्सएल कंपनी में एक अनपढ़ महिला पैसा नहीं कमा रही है तो गारंटी है कि आप भी नहीं कमाएंगे, आप भी। लेकिन अगर आपको खुद देखना है, क्या डीएक्सएल कंपनी में कोई अनपढ़ लेडीज भी, अनपढ़ आदमी भी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, गाड़ी से घूम रहा है, देश विदेश घूम रहा है, अगर दिख जाए तो आंख बंद करके दुनिया का किसी का आदमी का बात नहीं मानना है, उस कंपनी में लग जाना है, कंपनी को सिलेक्ट कर लेना। आप विद्यार्थी है, विद्यार्थी को खोजो, मीटिंग में जाओ तो किसको खोजो? किसको? मेरे जैसा पढ़ने वाला लड़का वैसा कमा रहा कि नहीं कमा रहा? अगर नहीं कमा रहा है तो आपको गारंटी है आप भी नहीं कमाएंगे। लेकिन अगर आपके जैसा 20 बरस 22 बरस का लड़का कोई इस कंपनी में कमा रहा है तो गारंटी है आप भी कमाएंगे, तो कमाएंगे। यही है पहला पीपल। कोई 80 बरस का बुढ़ा अगर आदमी है, देखिए 80 बरस का आदमी कोई पैसा कमा रहा है, अगर कमा रहा है गारंटी है आप भी कमाएंगे, अपना देखिए। हम इंजीनियर हैं, सेलेक्ट करिए, इंजीनियर है इसमें है, आप कमाएंगे। पीपल्स एंड फिलॉसफी, पीपल्स, आप देखिए इसमें कैसे कैसे
कंपनी को ज्वाइन करने आए हैं, इस कंपनी में कैसे कैसे लोग हैं, सब चोरे तो नहीं है? अगर इस कंपनी में सब चोर होगा तो आप जुड़ जाइएगा इस कंपनी से, पक्का है आप चोर ही बनेंगे, डकैत ही बनेंगे, आप इंसान नहीं बन सकते। आप इस कंपनी में देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे पर्सनालिटी है, तो पता चलता है कंपनी को बनाने वाले ही विश्व का सुप्रसिद्ध एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है। डीएक्सएल के इंडिया में शुरू करने वाले एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक्स एचओडी डबल गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर के एन वासुपाल सर एंड डॉक्टर रत्ना मैडम जोरदार तालियां की। एक गोल्ड मेडलिस्ट ने डीएक्सएल की स्थापना किया। उतना ही नहीं, इस कंपनी में ऐसे लोग हैं जो भारत के कई राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुका है, ऐसा लोग इस कंपनी में है। समझ में आ गया? इस कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो चलता हुआ आइसक्रीम का फैक्ट्री, कपड़ा का दुकान, सिनेमा हॉल को बंद करके डीएक्सएल ज्वाइन कर लिया। जोरदार तालियां सुरेश सर रचना में। कैसे लोग हैं, पहला पीपल लोग कैसा है, अगर इसमें सब लफुआ है तो गारंटी है आप आएंगे तो लफुआ ही बनेगा। अगर इस कंपनी में डकैत है तो कोई भी आएगा तो क्या बनेगा, डकैत। लेकिन अगर इस आदमी इस कंपनी में सभी लोग देखते हैं एकदम बहुत बढ़िया पर्सनालिटी के आदमी है, सब संस्कारी सब दिखता है, सब पैसा कमाने वाला दिखता है, आप अगर इस कंपनी में आ जाइएगा तो आप भी अमीर बन जाएंगे, संस्कारी बन जाएंगे। कंपनी को इस चुनने का तरीका बता रहे, पहला पीपल्स कैसा लोग हो, उसके बाद फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब सिद्धांत, उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है। अगर कंपनी का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, तो वो कंपनी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हमारा डीएक्सएल का उद्देश्य क्या है, हमारा डीएक्सएल का सिद्धांत क्या है, हमारा डीएक्सएल का टैगलाइन क्या है, हमारा डीएक्सएल का उद्देश्य क्या है, रोगों को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, अब बीमारी और गरीबी और बेरोजगारी को दुनिया से खत्म करना। आवर फिलॉसफी। अब ये कैसा कंपनी है, डीएक्सएल कैसा कंपनी है? पहला कंपनी चुनने का तरीका बता रहे, पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, प्रोडक्ट में हमारा राजा है, कैनोडर्मा है, राजा है, इससे बड़ा ऊपर कोई नहीं। कंपनी को सिलेक्ट करने का दूसरा, तीसरा, प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट। कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप देखिए उसका प्लान है कैसा है, प्रॉफिट है कि नहीं है, कैसा पे आउट आता है, कैसा प्लान है। प्लान को सुन मार्केट में देखे होंगे, बहुत सारा प्लान है, पिरामिड है, बाइनरी है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, सब विश्राम, सावधान, सावधान, विश्राम, सावधान। लेफ्ट राइट दो लेग वाला है कि नहीं है? दुइये वो है, ये टांगे वो कम, अगर एक और टूट गया तो यह टूट गया। बाइनरी प्लान की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, अगर एक लाइन में दो लाइन आप खोले, एक लाइन में अगर 1 करोड़ आदमी ज्वाइन कर गया और दूसरा लाइन में 1 आदमी ज्वाइन नहीं किया, कौची मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, एगो अठन्नी भी नहीं मिलेगा, एगो अठन्नी भी। डीएक्सएल ऐसा मार्केटिंग प्लान है, अगर एक लाइन भी बढ़िया से चल गया तो 1 लाइन से भी 1 लाख रुपया आ सकता है। मुन्नी मैडम का जो लाइन है, मेरा जो मुन्नी जी का लाइन है, मालूम है इस लाइन से वो कितना पैसा आता है? इस लाइन से एक आदमी से हर महीने
में हर महीना आता है एक आदमी से। लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, नहीं बात करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तकिया लेके रहेंगे, पैसा बंदा ही देता रहेगा। किसी का पावर हो तो हमारा ये जो प्लान है ये जेनरेशन प्लान है, एक्युमुलेटेड पीबी सिस्टम है, ये बाइनरी नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये पिरामिड नहीं है, ये स्कैम स्कैंडल नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन नहीं है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल मार्केटिंग प्लान है, वो डीएक्सएल के पास। तीसरा चौथा माने पे आउट। पे आउट देखो यानी बोनस, बोनस देखो कम क्या देखो, बोनस देखो। अगर दूसरा किसी जो कंपनी में वो काम कर रहा है उसका बोनस आ रहा है तभी गारंटी है कि आपका आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको भी आने वाला नहीं है। जो बताता है उससे पूछो तुमको पैसा आता है, तब बोला नहीं अभी एक महीना पहले ज्वाइन किए, तो बोले कि तुम अपने सीनियर के बताओ कितना पैसा आता है, क्योंकि जब तक उसका नहीं आता है तो आपका भी आने वाला नहीं है। पे आउट बोलिए दिखाने के लिए बोनस कैसा है। अगर डीएक्सएल कंपनी में सबको जबरदस्त बोनस आता है बोलो दिखाओ, अगर सबको जबरदस्त बोनस आता है आपको आएगा।